हेलो एवरीवन, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम देख रहे हैं स्पेशल चैनल्स। और प्रीवियस वीडियो में हम तीन डिफरेंट टाइप के स्पेशल चैनल्स को देख चुके हैं और उसी के कंटिन्यूशन में आगे हम देखेंगे बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, बाइनरी इरेजर चैनल एंड वन मोर चैनल दैट वी विल सी इज़ कैस्केडेड चैनल्स। सो सबसे पहले शुरू करते हैं बाइनरी सिमेट्रिक चैनल से, जिसको हम BSC भी बोलते हैं। सो अ सिमेट्रिक चैनल विच हैज़ टू इनपुट एंड टू आउटपुट इज कॉल्ड एज बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। तो एक ऐसा चैनल जिसमें दो इनपुट हैं और दो आउटपुट हैं, तो उसको हम कहेंगे बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मेरे पास इनपुट हैं, कितने इनपुट हो सकते हैं, दो। सो लेट अस से हमारे पास A1 A2 दो इनपुट हैं और आउटपुट कितने होंगे, आउटपुट भी दो होंगे एंड वी हैव दिस टू आउटपुट्स B1 एंड B2। अब देखो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि ठीक है, A1 अगर इनपुट है तो मुझे B1 मिला एंड लेट अस से इसकी प्रोबेबिलिटी है P-, और A1 पे B2 मिल सकता है हमें और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है P। भाई अगर एक इनपुट है A1 तो और दो आउटपुट हैं B1 B2, तो एक की P- और एक की P। ऐसी A2 से B1 की प्रोबेबिलिटी है लेट अस से P और A2 से B2 की प्रोबेबिलिटी है P-। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अगर मैं इसकी चैनल मैट्रिक्स बनाता हूँ तो कैसे बनेगी, A1 A2, B1 B2। A1 इनपुट पे B1 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P-। ऐसी A1 इनपुट पे B2 मिलने की कितनी है, P। A2 इनपुट पे B1 मिलने की कितनी है, P। और A2 इनपुट पे B2 मिलने की कितनी है, P-। तो ये चैनल मैट्रिक्स बन गई। और हमें पता है दैट द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल्स टू 1। तो मैं कह सकता हूँ P+P-1 और आई कैन से P-1-P। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द चैनल कैपेसिटी। नाउ द प्रोसीजर टू फाइंड H ऑफ BA एंड C इज सेम एज इन द सिमेट्रिक चैनल, जो हमने इससे पहले का सिमेट्रिक चैनल देखा था। सो वी हैव दिस, वहाँ पे एज इन सिमेट्रिक चैनल हम लिख सकते हैं क्योंकि ये भी सिमेट्रिक चैनल ही है, बस इसमें इनपुट्स और आउटपुट हमारे फिक्स हैं। एज इन सिमेट्रिक चैनल C इज इक्वल्स टू, हमने कितना देखा था, log ऑफ 2S-H। ठीक है, नाउ वी नो दैट H इज इक्वल्स टू J1 to S P J log base 2 1 over P J। ठीक है, अब देखो इसमें हमें पता है कि कितने सिंबल्स हमारे पास, दो। इट मीन्स दैट S इज इक्वल्स टू 2, S2 हो गया मेरे पास। सो H कितना हो गया, H इज इक्वल्स टू P-log base 2 1 over P। भाई एक बार P- और एक बार क्या है, P, 1 over P- प्लस P log base 2 1 over P। ठीक है, दो ही तो प्रॉबिलिटी है, तो P- होगी या फिर P होगी। देयरफोर अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, H मुझे पता लग गया, तो C कितना होगा, C विल बी log बेस 2, S की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 माइनस दिस टर्म दैट इज P-log base 2 1 over P-, देन प्लस P log base 2 1 over P। ठीक है, सो अब ये वाली टर्म कितनी होगी, देखो log base 2 of 2 is 1, तो ये हो गया 1-P-log 1 over P-
plus log 1 over p. ठीक है, अब अगर इस टर्म को मैं देखता हूँ तो इस स्टेट वाली टर्म क्या है, बेसिकली वाली टर्म h ही है, तो मैं सिंपल c को लिख सकता हूँ 1 माइनस h. हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे कि मैं इसको सीधा ऐसे लिख देता, c इज इक्वल्स टू log 2 ऑफ s माइनस h. मुझे पता है h की वैल्यू क्या है, 2, सो इट इज़ log 2 2 माइनस h, सो c विल बिकम 1 माइनस h. हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और हमने इसको ऐसे भी करके देखा है. सो बेसिकली जो चैनल कैपेसिटी आती है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के केस में, वो आती है 1 माइनस h. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल. तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के ऊपर. तो क्वेश्चन क्या है, अ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल हैज़ द फॉलोइंग नॉइस मैट्रिक्स विद सोर्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ पी एक्स वन इज इक्वल्स टू 2/3 एंड पी एक्स टू इज इक्वल्स टू 1/3. और ये हमें मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है. सो वी हैव टू डिटरमाइन एच एक्स एच वाई चैनल कैपेसिटी चैनल एफिशिएंसी एंड रिडंडेंसी. सो लेट अस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ. देखो ये क्या होगा, पी डैश जैसे हमने देखा था, ये पी 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 डैश. ठीक है, सो बेसिकली पी डैश कितना हो गया 3/4 और पी कितना हो गया 1/4. अब सबसे पहले हम निकालते हैं एच एक्स. एच एक्स कितना होगा, कितने सिंबल है मेरे पास, कितने सोर्स हैं, 2. सो दैट इज सिंपल पी ऑफ एक्स आई लॉग बेस टू 1 ओवर पी ऑफ एक्स आई. और एक्स की प्रोबेबिलिटीज हमें यहाँ पे गिवन है, सो दैट मीन्स इट इज 2/3 लॉग बेस टू 3/2 प्लस 1/3 लॉग बेस टू 3. ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे एच ऑफ एक्स को, तो आपको आंसर मिलेगा इसका. आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखिएगा जरूर, आंसर आपको मिलेगा इसमें 0.9183. ठीक है, सो यू विल गेट 0.9183. सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट अस सॉल्व द सेकेंड पार्ट. हमें निकालना है एच ऑफ वाई. सो एच ऑफ वाई निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो हमें हर सोर्स हर आउटपुट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे, बेसिकली देखो y1 के होने की क्या है 3/4, कब, जब x1 हो रहा है, और x1 के होने की कितनी है 2/3, यानी कि ओवरऑल y1 के होने की इन केस ऑफ x1 कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 दैट इज 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 कंडीशनल 3/4, तो ये कितनी आ जाएगी 1/2. तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1/2. ऐसी y2 के होने की कितनी है 1/4, कब, जब x1 हो रहा है, और x1 के होने की कितनी है 2/3, तो कितनी हो गई 1/4 इंटू 2/3 दैट इज 1/6. ऐसी y1 के होने की कितनी है 1/4, कब, जब x2 हो रहा है, यानी 1/4 इंटू 1/3 दैट इज 1/12. देन 3/4 इंटू 1/3 दैट इज 1/4. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको. अब हम यहां पे समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y का. तो इस 1/2 प्लस 1/12 करोगे तो कितना मिलेगा, 12 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन यानी 7/12. तो y1 की है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 7/12, ऐसी y2 की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आप इस केस में 5/12. आप इन दोनों को ऐड करोगे
वन बाय सिक्स प्लस वन बाय फोर, 12 एलसीएम ले लो, 2 प्लस थ्री दैट इज 5 बाई 12. तो ये आ गया हमारे पास 7 बाई 12 एंड 5 बाई 12. सो एच ऑफ वाई क्या हो जाएगा, सिंपल. अब जे इज इक्वल्स टू 1 to 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जे लॉग बेस टू 1 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जे, विच इज इक्वल्स टू कितनी है, 7 बाई 12 लॉग बेस टू 12 बाई 7 प्लस 5 बाई 12 लॉग बेस टू 12 बाई 5. ठीक है, देन आफ्टर सॉल्विंग दिस यूजिंग कैलकुलेटर अगेन, एच ऑफ वाई आपको मिलेगा 0.9799. सो दिस इज द आंसर ऑफ एच ऑफ वाई. ठीक है, और इनकी जो यूनिट्स है दैट इज बिट्स पर सिंबल, दोनों के केस में बिट्स पर सिंबल इसकी यूनिट है. सो फर्स्ट पार्ट इज डन, ये आप निकाल लोगे अब एच ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई. नाउ वी हैव टू फाइंड द चैनल कैपेसिटी, वी हैव टू फाइंड द चैनल कैपेसिटी. और चैनल कैपेसिटी कितनी होती है इन केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक, दैट इज 1 माइनस एच. और एच क्या होता है, एच का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसके केस में, एच होता है पी डैश लॉग बेस टू 1 ओवर p डैश प्लस पी लॉग बेस टू 1 ओवर p. ठीक है, ये हमने देखा है ये होता है. सो सी विल बिकम 1 माइनस p डैश कितना है, 3 बाई 4, दैट इज 3 बाई 4 लॉग बेस टू 4 बाई 3 प्लस पी है 1 बाई 4 लॉग बेस टू 4. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8113 और सी इज इक्वल्स टू 0.1887 बिट्स पर सिंबल. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट जिसमें हमने चैनल कैपेसिटी फाइंड आउट की है. सो दिस इज ऑल्सो डन. नाउ वी हैव टू फाइंड द चैनल एफिशिएंसी एंड चैनल रिडंडेंसी. सो द थर्ड पार्ट, चैनल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू बेसिकली आई ऑफ ए बी ओवर सी, या फिर इस केस में आई ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सी. सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आई ऑफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, सो आई ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होता है, आई ऑफ एक्स कॉमा वाई हम लिख सकते हैं इसको एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स वाई. ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट आई ऑफ एक्स वाई एज 0.1686. देखो एच ऑफ एक्स तो हमने निकाला है 0.9183, एच ऑफ एक्स वाई आपको निकालना है. ठीक है, देन एच ऑफ एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है एंड इट इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एच ऑफ वाई. एच ऑफ वाई हमें पता है कितना है, एच ऑफ एक्स कॉमा वाई हमें फाइंड आउट करना है. अगेन एच ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ वाई ऑब्लिक एक्स. ठीक है, सो जब आप इन सबको सॉल्व करोगे, नाउ दिस इज योर असाइनमेंट पार्ट, जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपको आई ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना मिलेगा, 0.1686. सो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 0.1686 डिवाइडेड बाई 0.1887.
which is equals to 89.35%. सो रिडंडेंसी कितनी आएगी फिर? रिडंडेंसी होती है 1 माइनस एफिशिएंसी, विच विल कम आउट टू बी 10.65%. सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल एंड वी हैव ऑल्सो सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन बाइनरी सिमेट्रिक चैनल. So this is all for this particular video lecture. In the next lecture, we will see about the concept of binary erasure channel. So thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.